इधर छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग को करारा झटका लगा है। आबकारी विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए अहाता सेंटर के लाइसेंस जारी किए। आबकारी विभाग ने दावा किया था कि इससे करीब 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व सरकार को मिलेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर ही 2 दर्जन लाइसेंसी अहाता सेंटर बंद हो गए, जिससे एक बार फिर अवैध चकना सेंटर की भरमार हो गई है। आबकारी अधिकारियों ने ये जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखा रही कि आखिर अहाता क्यों बंद हुए, क्योंकि इसके पीछे उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब दुकानों के बाहर अवैध चकना सेंटर और अहातों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की। लोगों ने भी इसे हाथों हाथ लिया। अहाता और चकना सेंटर के लाइसेंसी होने के बाद लोगों ने बढ़ चढ़ कर टेंडर में हिस्सा लिया और रायपुर में करीब 56 अहाता सेंटर करोड़ों के दाम में बिक गए। राजधानी रायपुर के गंजपारा की कंपोजिट शराब दुकान का अहाता करीब 94 लाख रुपए में बिका और ये प्रदेश का सबसे बड़ा अहाता बन गया। इसके अलावा ऐसे कई अहाता भी हैं जो 70 से 80 लाख रुपए में बिके। जब नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई तो आबकारी विभाग को लगा कि कहीं न कहीं राजस्व का एक बड़ा स्रोत सरकार ने खड़ा कर दिया है, लेकिन 3 महीने के भीतर ही अहाता सेंटर के संचालकों ने शटर डाउन कर दिए और जमानत की रकम भी वापस नहीं ली। लाइसेंसी अहाता सेंटर्स के बंद होने से शराब दुकानों के पास एक बार फिर अवैध चखना सेंटर की भरमार देखने को मिल रही है और इन्हें संरक्षण देने वाला कोई और नहीं, आबकारी विभाग के अधिकारी ही बताए जा रहे हैं। INH 24/7 की टीम जब शराब दुकान के पास लगे चखना सेंटर पहुंची तो कैमरा देखते ही चखना सेंटर वाले अपना माल समेटकर चलते बने। दरअसल आहतों की नीलामी से पहले आबकारी विभाग ने नियम बनाया था कि 100 मीटर के दायरे में एक भी अवैध चखना सेंटर नहीं खुलेगा, लेकिन आबकारी विभाग ने अपने ही नियम का पालन नहीं करवाया। ऐसे में अवैध चखना सेंटर की वजह से लाखों करोड़ों में आहतों का ठेका लेने वालों को अपने सेंटर बंद करने पड़े। राज्य सरकार ने शराब दुकानों के आसपास चलने वाले चखना सेंटरों को लाइसेंसी किया था और इससे करीब 100 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया था। इसके बाद टेंडर किया गया था और राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर 70 से अधिक शराब दुकानों के लिए करीब 56 अहाता और चखना सेंटरों का टेंडर किया गया था। लोगों ने बड़ी बोलियाँ भी लगाई थी और ये गंजपारा का शराब भट्टी है जो कंपोजिट शराब दुकान है। यहाँ पर जो अहाता की बोली लगाई गई थी वह करीब 94 लाख रुपए की बोली लगाई गई थी, लेकिन इस चखना सेंटर और अहाता सेंटर के अलावा रायपुर में 21 ऐसे अहाता सेंटर हैं जिनके मालिकों ने मात्र 2 महीने या 3 महीना चखना सेंटर चलाने के बाद छोड़ दिया। इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अवैध चखना सेंटर जो यहां संचालित हो रहे थे, अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि यहां पर भी अवैध चखना सेंटर चल रहा था, उसे बंद करके जैसे ही कैमरे देखे वे भाग गए। आपको बताना चाहूँगा करीब 21 चखना सेंटर और अहाता दुकान लाइसेंसी धारियों ने अपने दुकानें बंद कर दी है और उन्होंने जो रकम जमा की थी जमानत की राशि वह भी जो है आबकारी विभाग के हवाले कर दिया। और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अवैध चखना सेंटर लगातार चल रहे थे जिसके कारण लाइसेंसी अहाता सेंटर और चखना सेंटर वालों को लगातार नुकसान हो रहा था। इसकी शिकायत वे आबकारी विभाग में भी कर रहे थे, लेकिन आबकारी विभाग उनकी जो शिकायत है उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसके कारण ही उन्हें सभी अपने जो चखना सेंटर और अहाता सेंटरों को छोड़ना पड़ा। बहरहाल एक अच्छी स्कीम के लागू होने से पहले ही ये बंद हो गई, जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर आबकारी विभाग के अधिकारी बाहरी लोगों से मिलीभगत कर सभी शराब दुकानों के पास अवैध चखना सेंटर खुद चलवा रहे हैं। मनोज नायक, INH 24/7 रायपुर।